हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। तो आज के इस DIY में हम बना रहे हैं एक फिश प्लांटर। इसके लिए हमें चाहिए आइसक्रीम कंटेनर, वॉल पुट्टी, कुछ एक्रेलिक पेंट्स और वाटर। अब हम यहाँ पर इस कंटेनर की एजेस इस तरह से कट कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर एक स्मूथ सा बेस बना सकें। हम इसमें एक होल भी कर लेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा वाटर इजीली निकल सके। अब हम यहाँ पर वॉल पुट्टी और पानी का यूज़ कर एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। वॉल पुट्टी को एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसमें एक साथ पानी नहीं डालिएगा वरना हमारा डो गीला हो सकता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसे हाथों की हेल्प से गूंदना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से हम घर में आटा गूंदते हैं। और हो सके तो आप भी ग्लव ज़रूर पहनिएगा क्योंकि इससे हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, हमारा एक स्मूथ सा डो रेडी है। अब हम इसे गीले कपड़े में रैप कर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक हार्ड सरफेस पर पाउडर डस्ट कर लिया है। वॉल पुट्टी को हमें कंटेनर पर अप्लाई करना है। इसके लिए रोलर की हेल्प से हल्के हाथों से हम यहाँ पर डो की एक शीट प्रिपेयर कर लेंगे। अब पानी को सरफेस के ऊपर अप्लाई कर हम शीट को उसके ऊपर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरह से, और फिर पानी से ही हम उसे स्मूथ कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी अप्लाई करेंगे। पानी अप्लाई कर हम उस पर शीट को स्टिक कर देंगे और उंगलियों को थोड़ा गीला कर हम उसे स्मूथ करते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे कंटेनर को कवर कर लेंगे। इसे एक स्मूथ इफेक्ट देने के लिए पानी की हेल्प से हम इसे स्मूथ करते जाएंगे। ये पूरी तरह ड्राई ना हो उसके पहले हम एक कैप लेकर हम फिश के स्केल्स बनाएंगे कुछ इस तरह से। हम दोनों साइड इस तरह से फिश स्केल्प बना देंगे और फिर इसे सूखने के लिए रख देंगे। इसे सूखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। अब हम फिश का टेल बनाएंगे। इसके लिए डो का एक पोर्शन लेंगे और कुछ इस तरह का उसे शेप दे देंगे। इसे भी हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। फिश का माउथ पोर्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे और फिर डो की हेल्प से हम फिश का माउथ बनाएंगे। तो इस तरह से पानी की हेल्प से डो को रब करते हुए हम फिश का माउथ पोर्शन रेडी कर लेंगे। इस तरह से फिश का माउथ पोर्शन रेडी है। फिश का टेल भी सूख चुका है। उसे स्टिक करने के लिए हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा वॉल पुट्टी डो अप्लाई कर हम टेल को स्टिक कर देंगे।
पानी और वॉल पुट्टी की हेल्प से इसे भी हम एक स्मूथ सा इफेक्ट दे देंगे। और हाँ, हर बार नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले पिछली प्रोसेस को पहले सूखने दें। अब हम यहाँ पर फिश के विंग्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी अप्लाई किया है और फिर डो की हेल्प से हम कुछ इस तरह का शेप दे देंगे। हमने यहाँ पर डो की हेल्प से ही दो आइस बना ली हैं। अब हम इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब सैंड पेपर की हेल्प से हम इसे स्मूथ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर सेकंड कोट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर गोल्डन कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। पेंट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर स्पंज का यूज़ कर रहे हैं। फिश के टेक्सचर को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर पर्ल ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। हमारा ब्यूटीफुल सा फिश प्लांटर अब रेडी है। आई होप ये DIY आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये DIY आपको कैसा लगा। और अगर ये DIY आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।